आवाज में इनके नेता प्रवक्ता कई बार ये तक कह जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही नहीं दावेदार भी हैं। वो 24 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? इस तरीके से शायद करना चाहते हैं, या उनके जो मुझे लगता है पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो बहुत बड़े हैं, जिसके लिए वो विश्वासघात जनता के साथ भी क्या कहीं है वो मोदी के लेवल पे आपके हिसाब से? आता हूँ उस पर आता हूँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं होता। बट अब नीतीश कुमार की ये तारीफ तो करेंगे ना, ये सबसे छोटे राजनीतिक दल होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव लड़ते हैं, किसी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, किसी के साथ कभी जो दोस्त रहते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता, वो उसकी बहुत बहुत बढ़िया मिसाल, बहुत अच्छा उदाहरण है नीतीश कुमार। और लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज है, वर्षों से चल रहे हैं, अभी भी जब तक बीजेपी के साथ चला बहुत अच्छी बात है, जब नहीं चला अलग हो गए। नीतीश कुमार को दे रहे हैं या थोड़ा सा तेजस्वी को भी दे रहे हैं? तेजस्वी तो देखिए, तेजस्वी तो नहीं, अगर इस बार देखा जाए तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को बनना था भाई। पिछली बार नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री थे, तब भी तेजस्वी को बेचारे को हटा दिया, तब भी चला गया। लेकिन नीतीश कुमार जहां पर भी नाराज हैं, मुख्यमंत्री छोड़कर उप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, तो उनके लिए हाथ में कुछ रहा नहीं, ये एक बात। और दूसरी तरफ कि नीतीश कुमार, एक मेरा छोटा सा सवाल आप सभी से, 4 टर्म्स लगातार बैक टू बैक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, पहले टर्म को छोड़ दें, एक टर्म में उन्होंने काम किया था बिहार की जनता के लिए, और तब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के बाद से जिस तरह से वहां पर प्रचार हुआ था कि जंगल राज है, उसके बाद से नीतीश ने जो काम किया वो दिखा भी, जनता ने तारीफ भी किया। लेकिन आपको लगता है कि चारों टर्म्स में नीतीश ने बिहार की जनता को बहुत कुछ खास दिया जिससे कि राज्य ने बहुत विकास किया हो? आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिहार की जनता से आप डायरेक्टली बात करो या अगर आप वोटर्स की बात सुनो तो वो कहते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में उनको ज्यादा मिला वहां पर लोगों के लिए। मुझे आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जितने बिहार के लोगों से मैंने बात की या जितना मैंने समझा, वहां के लोग लालू प्रसाद यादव को ज्यादा बड़ा हीरो मानते हैं, लोगों का उनके प्रति एक आप कह सकते हैं प्यार या सम्मान एक राजनेता के प्रति छवि के लिए, लेकिन काम के लिए नहीं। मेरे इस पर जो विचार है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार में बहुत बदलाव तो नहीं आया। आप दूसरे, क्योंकि हम दूसरे राज्यों से अगर कंपेयर करें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार बहुत नीचे है, अगर हम बात करें हैपीटेक्स इंडेक्स की तो उस मामले में बिहार बहुत नीचे है। तो बदलाव क्या है, मतलब रोजगार के लिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहीं सामने बिल्कुल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, कल उसकी जो इकोनॉमी दूसरे नंबर पर है, उद्योग इंडस्ट्री तमाम चीजें हैं वहां पर। कितनी अभी आप कार्यकाल में आपने देखा विकास, या फिर नेशनल हाईवे की बात कर लें, कोई एक नया नेशनल हाईवे बता दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल अस्पताल, इसके साथ ही भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीजें अभी उजागर हुई। जैसे बाढ़ में आपने देखा होगा पिछले साल भी एक नया पुल बना, वो टूट गया, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गया, बहुत सारी चीजें। नीतीश कुमार तो यही कहकर आया था ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है उधर, तो इसलिए वो इधर बीजेपी के साथ आए, तो आप किस मुंह से जाएंगे वापस? जा रहे हैं, लोगों को नजर नहीं आता क्या? हमें तकलीफ यही है, हम वही कह रहे हैं, लोगों को तो ठगते हैं ना ये राजनेता राजीव। हमारी तकलीफ सिर्फ ये है, कल तक वो बीजेपी जो आपकी सबसे प्रिय थी, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके गुणगान करते हुए आप नहीं थकते थे, आज आपने कह दिया कि बीजेपी ने मुझे हमेशा अपमानित किया। तो आपका अपमान अपमान है, बिहार की जनता का अपमान कुछ नहीं, आपका प्यार प्यार है, बिहार की जनता का प्यार कुछ भी नहीं। आप अपने अपने भले के लिए मुख्यमंत्री बनना है तो आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मुख्यमंत्री बनना है तो आप आरजेडी के साथ चले जाएंगे, और बिहार की जनता का क्या आप में इतना सा वो नहीं है कि मैं सबसे छोटा दल हूं, मुझे सरकार बनाने का मैंडेट नहीं दिया है बिहार की जनता ने? तो ये भी तो बड़प्पन हो सकता है ना कि आप कहें कि नहीं साहब, मुझे तो मैंडेट नहीं मिला, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं सीएम नहीं बनूंगा। हम यहां नाराज हैं बीजेपी से भी, आरजेडी से भी, जेडीयू से भी, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता के लिए लोगों को, आपको और हमें, हम भी इसी देश के नागरिक हैं आप और हम सब, ये हम लोगों को धोखा देते हैं, ये हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, ये हम लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, इन्हें सिर्फ जोड़ तोड़ करना है। हमारे देश में अब हद हो गई है, हर राज्य में यही होता है, अभी झारखंड का चल रहा है कि वहां सरकार गिर रही है। अरे भाई, डेवलपमेंट कहां हो रहा है? करोड़ों करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में पता चला कि 50-50 करोड़ रुपए दिए, कितने दिए गए नहीं गए वो अलग बात है, वो किसी को गॉड नोज बेटर, नहीं पता किसी को भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या क्या अफसोस होता है, हम बार बार ये कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि एक एमएलए को, विधायक को तोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए, और हम लोगों ने दोस्तों हिसाब किताब बताया, जब महाराष्ट्र में ये लोग गए, असम में रहे, तो होटल का खर्चा बताया, एक दिन का सिर्फ खाने खाने का 10 लाख रुपए खर्चा,
करोड़ों रुपया आपने खर्च कर दिया। किसके पब्लिक के? हाँ, पब्लिक का, आपका हमारा टैक्स का पैसा है और इन लोगों को हमेशा पेंशन मिलती है। अगर ये विधायक सांसद हो जाएं तो उसकी पेंशन भी, उसके बाद विधायक बन जाएं तो उसकी पेंशन भी। जीवन भर आप पैसा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ठगा सा महसूस कर रहा है इस देश का नागरिक, बिहार का नागरिक। आप उसकी बात नहीं करते हैं, क्लियर कट ये गलत बात है। हम तो सही में, और हमें समझना चाहिए कि जोड़ तोड़ सिर्फ सरकार बनाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं। ये